नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कांग्रेस के प्रदेश सचिव नासिर इस्लाम द्वारा सूखा राशन बांटा जा रहा है, इस पर नासिर इस्लाम ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी को लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जो लोग छोटे व्यापार करते थे उनके ऊपर बड़ा संकट आया है। मजदूर गरीब लोग गुजरात महाराष्ट्र से पलायन कर अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि राजनीति केवल राजनीति के लिए ही की जाए, जनसेवा सबसे पहला उद्देश्य होता है राजनीति का। वहीं उन्होंने सभी से अपील की है कि वे गरीब असहाय लोगों की मदद करें। सचिव है वे सामने आए और लोगों की जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उसी दिन से लगातार मदद करते आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं नासिर साहब से, भी बताएगा। देखिए इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, शायद इतिहास के अंदर ये हालात वो है जो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। आज तकरीबन 55 दिन से अधिक हो गए हैं। मेरा ये सवाल है कि एक ऑटो चलाने वाला है, एक छोटी रेड़ी की दुकान लगाने वाला है, कोई छोटे छोटे कारोबार पान की दुकान या दूसरी चीज़ें दीगर काम करने वाला है, कोई कॉल सेंटर में बैठने वाले लोग लड़के हैं, कोई डेली वेजेस पर कहीं काम करने वाले हैं, ये सब जो है 55 दिन से ना तो इनके पास इतने लंबे समय ना तो इन्होंने पैसे स्टोर करके रखते हैं। ये लोग परेशानी के अंदर, भूख इतराही मच चुकी है और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से हालात है वो बद से बदतर तो क्या कहा जाएगा। जंगल राज की तरह एक अजीब सा माहौल, दहशत का माहौल मध्य प्रदेश में निर्मित हो गया। बाहर से आते हमारे गुजरात से आते मजदूर भाई और दीगर बड़े स्टेटों से जो वापस महाराष्ट्र से लाखों की तादाद के अंदर फलान कर रहे हैं और आ रहे हैं पैदल, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बैलगाड़ी में खुद अपने कंधे पे रख के ला रहा है। ऐसी मजबूरी के हालात के अंदर ज़रूरी नहीं है कि राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए ही की जाए। जनसेवा सबसे पहला उद्देश्य होता है राजनीति। यह हमारा एरिया जो है इसके अंदर बहुत सारे इस्लाम एरिया है, पुराने भोपाल में बहुत सारे इस्लाम एरिया है, गरीब लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, मजबूर लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, उन सब की मदद करना आज ज़रूरी है। मैं तो सभी राजनेताओं से कहूँगा और बल्कि शहर के मोहतबर और पैसे वाले लोगों से कहूँगा, इज्जतदार लोगों से कहूँगा कि इस वक्त के अंदर मदद कीजिए लोगों की। बहुत बुरी हालत के अंदर उनके बच्चे परेशान हैं, बहन भाई परेशान है, घर में माता बहनें भूखी हैं और ऐसे मुकद्दस महीने के अंदर अगर हम कुछ इंसानियत के काम करते हैं तो दिली तकलीफ भी होती है और इससे हमें संतुष्टि भी प्राप्त होती है कि हम किसी के काम कुछ आ सक रहे हैं। जहाँ तक देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर सोशल डिस्टेंस, और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि आप जो राशन दे रहे हैं उसके साथ फोटो खिंचवाना मुमकिन नहीं समझ रहे हैं, ये क्या? देखिए किसी को देते वक्त अगर आप वैसे सारा बना लीजिए, सब मटीरियल का बना लीजिए, दूर से बना लीजिए, लेकिन मेरा सोचना ऐसा है कि किसी गरीब को एक अपनी बेइज्जती सी महसूस करता है कि हम कहीं के मांगने खड़े हुए हैं, कहीं लेने खड़े हुए हैं। हमारा भाई है आज परेशानी की घड़ी में है, कल ज़रूर उसके हालात वो 400 से 500 रुपये रोज़ कमाने वाले हैं, वो भी परेशान हैं। जिनके हालात बहुत अच्छे थे, जिनके घरों के अंदर सारी सुविधाएँ थी, आज वो राशन के लिए रिश्ते भी बहुत परेशान हैं। दूसरी तरफ मतलब हो गए हमारे यहाँ तो फिर उससे क्या फैलना था और क्या होना था वो सब सामने आ गया। दूसरी ओर ये सरकार की असंवेदनशीलता नज़र आती है आपको। शराब के व्यापारियों से तो बराबर मीटिंगें चल रही हैं और शराब किस तरह खुल जाए इसके ऊपर पूरा ध्यान आकर्षित है, परंतु कौन किस बस्ती में भूखा है किसी जिम्मेदार ने जाकर देखने की कोशिश नहीं करी। तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन जो चड्डी पहनकर देश के अंदर अपने आप को देशभक्त कहलाता है, कहाँ है वो? अरे एक दिन करके फोटो खिंचा के घर बैठ गए, बाहर निकलो लोगों की परेशानी देखो कि तुम पीले चावल बांटते हो चुनाव के अंदर, आज चुनाव नहीं है तो उनको जाके गरीबों के घरों में चावल दो या जो भी राशन है उसके ऊपर करना चाहिए। यही सही देशभक्ति की तो आज पहचान हुई है मुसीबत की घड़ी के अंदर, वरना सब ड्रामे खोर इस देश के अंदर जो ताकतें जो धर्मों के नाम पर आधारित कर कर अपने वोटों के लिए बांटना चाहते हैं वो साफ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है कि बात की जा रही है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।